अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिएटिंग रेसिंग बार चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसके लिए, कहां से हमने डाटा कलेक्ट करना है और किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये चार्ट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है statcounter.com इस वेबसाइट पर। तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये सब कुछ करना कैसे है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करें। हमें चाहिए डिवाइस वेंडर मार्केट शेयर। ठीक है, हम क्लिक है तो हमारे सामने ये डाटा ओपन हो जाएगा। ये देखें हो रहा है, तो देखें ये डाटा ओपन हो गया मेरे पास, ये देखें ये सारा आ गया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एडिट। ये बहुत कम डाटा है, अब हम और करते हैं। ये 2000 उन्होंने बताया हुआ है कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए है, तो हम करते हैं जून 2017 से जुलाई 2023 तक हमें चाहिए। ठीक है, रीजन आप कोई भी कर सकते हैं, एशिया, यूरोप और ये कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ही रहने दूँगी मैं, क्योंकि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए। इसके बाद हमने कर देना है वीचार्ट। रिचार्ज करके देखेंगे तो ये हमारा डाटा है, ये डाटा ओपन हो गया तो हमें मिल गया सारा जो हमें चाहिए था। इसके बाद हमने करना है, आपने डाउनलोड इस फॉर्मेट में करनी है, डाउनलोड डाटा .csv फाइल। ये डाटा हमारा हो गया, हमें मिल गया। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल और सेकंड स्टेप की तरफ। चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे साथ रहिएगा। ये है हमारी सेकेंड वेबसाइट। ठीक है, इसका नेम है alienart.ai। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा। अब हमें ये यूट्यूब के लिए चाहिए, तो ये मोबाइल के लिए और स्क्वायर में भी आ कर सकते हैं। हम चेक करेंगे यूट्यूब, और यहाँ पे आपने अपना टाइटल करना है सबसे पहले। कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं, पॉपुलेशन के लिए भी, कोई भी डाटा जिसका आपको चाहिए आप कर सकते हैं। और हमें चाहिए बार रेस चार्ट, रेस चार्ट चाहिए हमें। हमें जब क्लिक करेंगे, क्लिक करके तो हमने कर देना है अब क्रिएट। बाकी आपको इनसे रिलेटेड भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इनसे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, अब ये डाटा तो इधर है ही नहीं है, अब हमें इसके लिए चाहिए डाटा। तो हमने चलना है डाटा में सबसे पहले, उसके बाद फाइल्स में और इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हमने वो, यहाँ पे आपने मंथली नहीं करना है, यहाँ पे हमने करना है एनुअली। ठीक है, तो इधर हमने वो वाली फाइल करनी है ड्रॉप जो हमने लास्ट डाउनलोड की थी, csv फाइल। ठीक है, तो ये हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाली की है, तो ये कर लेनी है। इसके बाद हमने कर देनी है ओपन। 2-3 सेकेंड में ये हो जाएगी, चलो हो रही है, 2-3 सेकेंड ये होंगे लगेंगे। तो ये देखें हो गई है, हमारे पास सारा डाटा आ गया है। ठीक है, ये आप देखें हमारे पास सारा डाटा उसने हमें दे दिया विद इन 2-3 मिनट्स। क्या मिल गया, अब हमें डाटा मिल गया। देखें अब ये लेयर्स, आपने जाना है लेयर्स पे। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, प्रीव्यू में देखते हैं कैसा है। ये देखें प्रीव्यू ऐसा है इसका। अब ये तो बहुत, ये वीडियो स्पीड ज़्यादा है तो हम इसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चलना है लेयर्स में, उसके बाद आपने ड्यूरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसके ड्यूरेशन कर दें 2 भी कर सकते हैं, 3 भी 2 मिनट्स का कर दें ताकि ये स्लोली स्लोली चले। ठीक है, सेव। तो करते हैं, चलते हैं प्रीव्यू में। ये देखें स्लो हो गई है स्पीड। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम सैमसंग में अपना लोगो ऐड करें, तो हम चलेंगे डाटा, ये आ गए हैं, सैमसंग है तो इसको हमने करना है क्लिक है चूज के बाद ये देखें इमोजीज URL, तो आपने करना है URL पे और हमने चलना है सैमसंग लोगो, सैमसंग लोगो लिखेंगे। यहाँ से हमने कोई भी इमेज लेकर इसका लोगो, सैमसंग लोगो है तो यहाँ से कोई भी इमेज लेके, ये देखें इमेज, तो यहाँ से हमने लेके, ये देखें
ये इसका ये करके कॉपी लिंक करके ना इमेज लिंक को कॉपी करके तो आपने वापस इधर पेस्ट कर देना यूआरएल में। ये देखें अभी मैं करती हूँ, पेस्ट कर दिया और ये देखें सेव बेस 64 इमेज नॉट सपोर्टेड। दूसरा ट्राई करते हैं। अब हमने किया है दूसरा कॉपी, ये वाला कर लिया है कॉपी मैंने, ठीक है ये कॉपी करके तो वापस चलते हैं यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट तो ये हो जाए। अब ये देखें हो रहा है अभी ऐड, ये देखें ये ऐड हो गया ना, सॉरी हो हवा ओप्पो में हो गया, हवा भी में करना था, चलें इधर कर देते हैं। बाकी आप जो जो भी करना चाहें ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये भी हो रहा है, ये भी हो गया आपसे, ये गलती से हो गया तो हम इसको कर लेते हैं चेंज। अभी ओप्पो का जाके हम न्यू लेकर आते हैं, ओप्पो चेंज कर लिए, चलें ओप्पो। आपने 32 बिट करना है सर, 64 को वो ना करता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, 32 कर लेना। ये करते हैं ओप्पो, ये देखें हो रहा है, अभी हो जाएगा ये। तो ये देखें इमेजेस ऐड हो गए हैं, आपने भी इनके इमेजेस ऐड कर लेने हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ये सॉरी लेयर्स चेंज करने के लिए ना, ये जो लेयर्स हैं इनका कलर चेंज करने के लिए आपको कस्टम बार कलर्स वाला ये इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा, अब हम प्रीव्यू करते हैं, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हो गई चेंज। अगर आप बहुत सारी सेटिंग्स में कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, क्लिक ऐड ऑडियो पे आपने करना है। और ये देखें फाइल, आप अगर चाहें तो आप फाइल कोई भी अगर आपके पास आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं कर रही अभी, तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें बैकग्राउंड, और ये देखें ये यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं कलर। हमने ये कर दिया समझे, ऐड कर देते हैं, ये ब्राउन हो गया है, कोई भी आप कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, चलें ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया देखें। इसके बाद इमेज भी चेंज कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन देखें, ये फाइल हमें सारी मिल गई है, डाटा भी हमारे पास ये सारा आ गया हमारे पास। आप यहाँ से किसी भी कंट्री का डाटा, अलग अलग कंट्रीज़ का डाटा, डिफरेंट कंट्रीज़ का ले सकते हैं, अलग अलग डाटा मिल जाएगा आपको। ये प्रीव्यू किया, ये हमें मिल गया। अब हमने करनी है यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो, वीडियो विद इन 2 सेकेंड भी लगते हैं हो रही है, ये हो जाएगी हमारी डाउनलोड। तो फिर हमें ये डाउनलोड कर लेनी है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।